हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो स्थापना हुआ कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रस्तावित व्हाइट प्लान और ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित किन्स योजना द्वारा। कब? तो 44 देशों का एक प्रतिनिधि था, 44 देश का एक प्रतिनिधि था जिसके द्वारा क्या हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IMF और IBRD, 44 देश का प्रतिनिधि था। तो ये जुलाई 1944 में इसका एक मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, उसमें तैयार हुआ। और ये जब फंक्शन में कब आया, तो 1 मार्च 1947 को ये कार्यकारी मतलब कार्य अपना शुरू कर दिया। नवंबर 1947 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। नवंबर 1947 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण बन गया। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? Washington DC। इसका मुख्यालय है Washington DC में। अभी इसके टोटल 190 मेंबर है, टोटल 190 मेंबर है। जो नया मेंबर बना है वो कौन है? अंडोरा। 190 मेंबर कौन है? अंडोरा। अब है कि IMF करता क्या है? IMF करता क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देता है, ठीक है, प्लस क्या करता है, अस्थाई वैश्विक मौद्रिक ढांचा, एक अस्थाई मौद्रिक वैश्विक ढांचा होना चाहिए, उस पर यह काम करता है। विभिन्न देशों का जो मौद्रिक ढांचा है, किसी के पास डॉलर है, किसी के पास यूरो है, हम लोगों का रुपया है, तो उसको बैलेंस करता है, ठीक है। इसके बाद है कि एक्सचेंज रेट को स्थिर करता है। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं फॉरेन, वहां पर जो एक्सचेंज रेट है रुपया का है, डॉलर का है, येन का है कि नहीं, तो यूरो का है, तो वहां पे आप लोग जाते हैं तो उसका जो पूरा टोटल ये होता है, देख रेख जो होता है तो कौन करता है? IMF करता है। उसके बाद मल्टीलेटरल पेमेंट्स की व्यवस्था भी करता है। मल्टीलेटरल पेमेंट होगा तो उसका भी व्यवस्था करता है, ठीक है। सदस्य देश प्रतिकूल भुगतान संतुलन अनुकूल अस्थायी तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय अदायगी संकट के समय असंतुलन की मात्रा और अवधि में कमी भी करता है, ठीक है। अब है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एक होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा ही इसका सारा चीज देख रेख होता है। इसका जो मीटिंग होता है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कब होता है? सितंबर अक्टूबर में होता है। इसका जो मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव होता है कौन होता है? इसका जो मोस्ट पावरफुल होता है कौन होता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है जिसमें कि कितने मेंबर्स होते हैं? 21 मेंबर्स होते हैं। ये इसका सबसे मोस्ट पावरफुल होता है, ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक गवर्नर को एक विशेष मताधिकार भी होता है, प्रत्येक गवर्नर जो होता है उसका एक विशेष मताधिकार होता है। विभिन्न देश के जो गवर्नर है अपने अपने कोटा से वहां पे वो रिप्रेजेंट करते हैं IMF में। भारत जो है ब्रिटेन वुड सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, भारत ब्रिटेन वुड सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन ऐसा हुआ कि 1970 में सर्वाधिक अभ्यंश वाले 5 देशों में भारत था, जिसका सर्वाधिक अभ्यंश था 5 देश, वो भारत था, ठीक है। तो वो क्या था उसके चलते में कि संचालन मंडल का भी सदस्य था। कब? 1970 तक। तो 1970 तक था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब दूसरे देशों का
कोटा जो है अधिक हो गया, जब दूसरे अन्य देशों का कोटा अधिक हो गया तो उसमें क्या हो गया कि यह संचालन मंडल से हट गया। कब? 1970 को। अब रहा कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है, तो इसका कौन करता है रिप्रेजेंट वहां पे जाके? भारत के वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री वहां पे जाके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वित्त मंत्री नहीं जा पाए कोई भी कारण से, तो कौन करेगा? आरबीआई के अध्यक्ष। आरबीआई के अध्यक्ष ऑप्शनल तौर पर होते हैं, हो जाते हैं। अभी आप लोग न्यूज में देखते हैं ना, बहुत सारे न्यूज पेपर में देता है, आईएमएफ का बैठक में गया तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जा पाए तो आरबीआई अध्यक्ष जाता है ना। तो वही चीज है यहां पर। इसके अलावे इंडिया क्या करता है? आईएमएफ का रिप्रेजेंटेशन कार्यकारी निदेशक है, वो अपने देश को तो करता है रिप्रेजेंट, उसके बाद भी वो तीन देशों का रिप्रेजेंट करता है। कौन? बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, तीन देशों का रिप्रेजेंट वो और करता है। प्रत्येक साल आईएमएफ वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन करता है, तो आईएमएफ करता है, याद रखना ये चीज। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट भी ये करता है, ठीक है। यहां पे मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बता दिया कि यूएसए, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएसए व्हाइट प्लान प्लस ब्रिटेन योजना के तहत, ब्रिटेन के साथ किन्स योजना के तहत बना, इसमें 44 देश थे उसमें, ठीक है। और 190th मेंबर अंडोरा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर है, तो 190 नया कौन है? अंडोरा। मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी, जितना इंपॉर्टेंट है मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। वर्किंग में कब आया? तो 1 मार्च 1947, ठीक है। भारत इसका सदस्य है? हाँ है, संस्थापक सदस्य में है। रिप्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करेगा या तो आरबीआई के मेंबर्स करेगा, ठीक है। मीटिंग कब होता है? सितंबर अक्टूबर को होता है। मैगजीन कौन निकालता है? तो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। इतना मैंने बता दिया, यही है आईएमएफ। थैंक्स।